तो दोस्तों अगर आप सैमसंग का कोई भी कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें एक म्यूजिक प्लेयर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कोई भी MP3 फाइल जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे मेन्यू में जाता हूँ, मेन्यू में जाने वाले म्यूजिक प्लेयर में जाता हूँ और म्यूजिक प्लेयर में जाने वाले कोई भी साउंड को यहाँ पर कोई भी म्यूजिक में अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँगा तो ये अनसपोर्टेड फाइल लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कोई भी सॉन्ग को अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा तो ये अनसपोर्टेड लिखा हुआ नज़र आता है और ये टोटल जो फाइल है MP3 फाइल है फिर भी ये सपोर्ट नहीं करता है। तो आज इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड है और सिम कार्ड है उसको इसमें निकाल लेना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मेमोरी कार्ड को निकाल लिया है और निकालने के बाद फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेनू में अगर जाता हूँ, मेनू में जाने वाले म्यूजिक प्लेयर में जाता हूँ और ऑल ट्रैक में जाने पर देख सकते हैं अब यहाँ पे कोई भी सॉन्ग नज़र नहीं आएगा। तो आपके मोबाइल में जो MP3 सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके लिए आपको एक प्रोसेस यहाँ पर कम्प्लीट करना है। उसके लिए आपको मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जो रीसेट वाला ऑप्शन मिल रहा है इस रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेंगे रीसेट सेटिंग का और दूसरा मिलेगा मास्टर रीसेट वाला ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर मास्टर रीसेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यस कर देना है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से आपके मोबाइल में जितना भी डाटा है या फ़ोन कॉल है वो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मांगा जा रहा है फ़ोन का पासवर्ड। तो दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में जो फ़ोन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड को डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पासवर्ड को डाल लिया। तो एक बार आपको यहाँ पर ओके करना है और जैसे आप यहां पे ओके कीजिएगा तो देख सकते हैं कि आपका मोबाइल यहां पे रीसेट होना चालू हो जाएगा और ये रीसेट के प्रोसेस में लगभग 15 से 20 सेकंड लग जाता है। तो जब आपका ये रीसेट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप यहां पे अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाइएगा तो आपका जो मेमोरी कार्ड है वो सपोर्ट करना चालू कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों तो चलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और यस करने बाद आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड जब लगाइएगा तो उसके बाद जो म्यूजिक प्लेयर है वो आपका यहाँ पे प्ले होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।